अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपको मटर आलू की सब्ज़ी की रेसिपी दे रही हूँ। बोलेंगे मटर आलू तो सब कोई आप लोग बनाते हैं, लेकिन मैं एक ख़ास ट्रिक के साथ बनाऊँगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और इसके आगे चिकन फिल है। देखिए, मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया, उसमें ये चॉप प्याज डाल दीजिए। जब प्याज थोड़ा सा पिंक हो जाएगा, इसमें डाल दिया लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। देखिए ये पिंक हो गया, प्याज लहसुन और मिर्च अदरक। और इसमें डाल देंगे 3 अदर टमाटर। सबको अच्छे से पहले मैं भूनूंगी और इसमें जाएगा थोड़ी सी नमक, इसलिए टमाटर गल जाएगा। नमक डालने से टमाटर गल जाता है। अब मेरे इस तरीके से सब्जी बनाएंगी ना, शानदार सब्जी बनेगी। इसको सब सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊंगी। देखिए मेरा टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्च सब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। अब मैं इसको निकाल लूंगी और इसको निकाल के मैं ठंडा करूंगी। उसके बाद मिक्सी में, पहले मत पीस दीजिएगा, गरम गरम मत मिक्सर में डालिएगा, ताकि ना तो पूरे घर में ये फैल जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मैं इसको पंखे में रख के ठंडा कर लूँगी चला के। थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। देखिए मैं कढ़ाई लिया, उसमें मैं तेल डाला और उसमें मैं थोड़ा सा जीरा का तड़का डालूँगी और उस मसाले को जब तक ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा हो जाए तब मिक्सी में पीसेंगे। एक तो मिक्सर भी ख़राब आपका हो जाएगा और पूरे में फैल जाएगा। देखिए हमारा जीरा वो हो गया, कलर चेंज होने तक ज़्यादा नहीं पकाना कि जल जाए। अब इसमें मैं मटर और आलू को अच्छे से फ्राई करूँगी। मटर डाल दिया, आलू का छोटा छोटा पीस करके इस टाइप डाल दूंगी। अब जिस टाइप चाहिए, लेकिन जिस शेप में चाहें काटें, लेकिन इस तरह से बनाएं आपकी सबको। देखिए मेरा अच्छे से मटर आलू फ्राई हो गया। अब मैं इसमें ये मसाला जो प्याज और सब कोई किया था मैंने, देखी मिक्सी पिसा का कलर देखी कितना प्यारा हुआ, इसका कलर देखिए। इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। अब इसमें सिर्फ मैं हल्दी डालूंगी और कोई चीज़ नहीं जाएगा। आप इसमें अगर लाल मिर्च खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च डालिए, नहीं तो और कुछ नहीं। इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। और थोड़ी सी मैं इसमें एकदम थोड़ी सी 1-2 पिंच गरम मसाला डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से खूब भूनूंगी पहले, उसके बाद इसको फिर इतनी सब्जी इतनी अच्छी बनाएंगे ना स्ट्रिप से, तो मटर आलू क्या इतना मटर आलू शानदार बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक तो मसाले में दे दिया था मैंने, अब इसमें थोड़ा सा और नमक मैं डालूंगी। नमक, मिर्च और तेल अब अपने हिसाब से डालिए। देखिए मैं इतना मैं उसमें दे चुकी हूँ, इसलिए उसको मैं अच्छे से भूनूंगी धीमा करके, इसको छिपा के बस इसमें भूनूंगी। उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। इंशाल्लाह आप भी बनाएं, बहुत ही इस ट्रिप करने से ना सब्जी में बहुत चार चांद लग जाते हैं। सब्जी कितनी शानदार सी तैयार हो गई है, आप इस टाइप से बनाएं। बिल्कुल एक तो जल्दी भी बन गया और टेस्ट में बहुत अच्छा दुबाला इसका मज़ा हो गया।
तब इस तरफ से बनाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। फाइनल लुक सब्ज़ी का बहुत ही शानदार सी सब्ज़ी बनी है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप बनाएं एक बार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, आप भी बनाएं। बेटी की ख्वाहिश पूरी कर दी, 9 नंबर पार्क ले जाके, लेकिन जाने के बाद वहाँ अंदर से बंद था, बाहर से कुछ घूम ली, और साथ साथ आप लोगों को भी अपने व्यूअर्स को भी घुमा दे रही हूँ, भाई आप लोग भी थोड़ा घूम लीजिए, हमारे घर के बहुत करीब है, बहुत लोग बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रीन ग्रीन एरिया है, लेकिन बाहर से कुछ तस्वीरें ले ली और फिर वापस चली आई। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जब खुल जाएगा तो आप लोग को भी घुमाएंगे, मैं भी घूमने जाऊंगी, अपनी बेटी को भी ले जाऊंगी।